ईरान पर इजरायली अटैक की खबरों बीच पूरे विश्व की नजर इस बात पर है कि आखिर युद्ध कहां जाकर थमेगा। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास, ईरान और इराक युद्ध के बीच क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने अब जवाबी कार्रवाई की और ईरान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान भी जवाब देने के लिए जरा भी नहीं रुकेगा। इस बार प्रतिक्रिया तुरंत होगी और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। इतना ही नहीं, ईरान ने उस पर इसराइल के किसी भी हमले से इनकार किया है। ईरान का दावा है कि उसके शहर सुरक्षित है और कोई हमला नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि ईरान पर इसराइल के हमले की सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि अब तक इसमें इसराइल से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है। हालांकि जांच जारी है और पूरी रिपोर्ट आने पर ही आगे कुछ कह सकेंगे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने ईरान के स्थानीय न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने एक ड्रोन को मार गिराया जो उसके क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो कोई ड्रोन नहीं है, ऐसे ड्रोन से तो हमारे यहाँ के बच्चे खेलते हैं। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि इन ड्रोन और इसराइल के बीच कोई संबंध है। मीडिया जो रिपोर्ट दे रही है कि इसराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, उसका कोई सबूत नहीं मिला है, ये झूठी खबरें हैं। ईरान ने इसराइल के हमले की बजाय इसे घुसपैठियों की हरकत करार दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार तड़के सेंट्रल ईरान के इस्फाहान में हवाई सुरक्षा बलों ने 3 ड्रोन को मार गिराया था जिससे विस्फोट की आवाजें आई थी, जिनके आधार पर अमरीका ने रिपोर्ट दी थी अब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इस हमले में ईरान को इजराइल की संलिप्तता का भले ही कोई सबूत ना मिला हो, लेकिन विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने अब जवाबी कार्रवाई की और ईरान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान की भी जवाब देने के लिए जरा भी नहीं रुकेगा। इस बार प्रतिक्रिया तुरंत होगी और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। वहीं हमले की खबर पर अभी तक इजराइल का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि इजराइल की तरफ से जरूर कहा गया था कि हमले की खबर के बाद उन्होंने सैन्य बेस के सायरन को बजा दिया था, जो कि एक झूठा अलार्म था। इधर अमेरिका ने भी इस बयान पर कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका किसी भी आक्रामक अभियान में शामिल नहीं था, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि उसे इस हमले में कुछ भी नहीं कहना है। इसराइल ने अपने ऊपर ईरान के किए गए हमले की एक हफ्ते में अंदर बदला लेने की कसम खाई थी, जो 13 अप्रैल को हुआ था। ये ईरान का इसराइल पर पहला सीधा हमला था, जिसमें इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे। हालांकि इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी। इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।